वेलकम बैक। और आप लोगों के बहुत ज्यादा मेरी डायरी भाई फुल हो गई। इतने ज्यादा कमेंट्स थे, ठीक है। वो कमेंट्स किसके ऊपर थे भाई? हमारे मौली फिश के ऊपर थे। और बहुत सारे भाइयों का एक ही कहना था भाई, मौली फिश आप कब शिप करने वाले, कब लाने वाले भाई, हमें न्यू मौली फिश देखनी है भाई, जल्दी से जल्दी लाओ भाई मौली फिश। और गप्पी फिश के भी उतने ही फैंस है जितने मौली फिश के, ठीक है भाई। गप्पी फिश के तो ज्यादा फैंस है, बट मौली फिश का मैं कह रहा हूँ। मैंने सोचा कि भाई आज की वीडियो हम वही बना लेते हैं और हमारी जो टंकी साइड वाली वो हम हमारे टेरेस पे शिफ्ट कर लेंगे और जल्द से जल्द हम जाकर हमारी न्यू मौली फिश लेके आएंगे, ठीक है। के लिए हमारे जो गप्पी फिश है वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम एक दो दिन वाटर, तो ये बाद में बताऊंगा यार मैं कौन सा फिश, मतलब क्या क्या करना है अगला प्रोसेस। पहले जो प्रोसेस है वो कर लेते फटाक से, क्योंकि अभी धूप जो बढ़ गया है ना भाई एक बार का, तो भाई फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये को पता नहीं होगा भाई इस पॉन्ड में क्या आने वाला है, तो भी इस पॉन्ड में अभी है हमारी गप्पी फिश और यहाँ पे आने वाली है हमारी मौली फिश। जल्द से जल्द बहुत सारे वैरायटीज की और कलर की मौली फिश यहाँ पे आने वाली है। इस वाली डंकी में हमारी गप्पी फिश रहेगी जो कि व्हाइट टक्सीडो, और यहाँ पे हमारे एलिगेटर कार है जो कि वहाँ पे शिफ्ट होने जा रही है, वहाँ पे हमारी एलिगेटर कार रहेगी। इसको मैं खोल देता हूँ। ये देखो भाई, ये है हमारी एलिगेटर गार, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो उनको भाई अपडेट देना थोड़ा ज़रूरी होता है। ये है भाई हमारी एलिगेटर गार, ठीक है। ये हमारे द डेजी फिश का किंग है। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे मैं 3 टब लूँगा क्योंकि कम्प्लीट 3 महीने हो गए भाई मैंने टंकी खाली नहीं की हुई है, तो आप ही गेस कर लो भाई उसमें कौन कौन सी चीज होगी। भाई मैंने बहुत सारी वैरायटी के फिश छोड़े थे वहां पे, आपको पता ही होगा यार। मैंने शॉर्ट टेल फिश छोड़ी थी, मैंने शकर फिश छोड़ी थी, मैंने स्नेल छोड़ी थी, मैंने वाइल्ड गप्पी छोड़ी थी, मैंने टक्सीडो गप्पी छोड़ी थी, सब मिक्स कर दिया था मैंने, ठीक है। तो वहां पे देखा है दोस्तों, वहां पे हमारे स्नेल्स और शॉर्ट टेल ने बहुत ज्यादा ब्रीड की है, ठीक है। तो मैंने 3 प्रकार के 3 टब लिए हैं और एक प्रकार के 3 टब लिए मैंने, तो वहां पे हम जाएंगे और क्या करेंगे यार, अलग अलग, मतलब अभी स्नेल्स ने कितनी ब्रीड की है मैं यहाँ पे स्नेल्स के बेबीज निकालूंगा और बड़ी स्नेल्स अलग से निकालूंगा, क्योंकि हमें फिर से ब्रीड करनी है ना यार, ठीक है। अभी हमारा जो प्रोसेस है हम स्टार्ट करते हैं, मैं उस टेरेस पे जाना होगा। यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल है यार, मैं अभी फाइनली यहाँ पे कूद गया और अभी जाता हूँ भाई नीचे। अरे भाई साहब बड़ा डेंजर काम होता है यार, यहाँ से आप पे आना, इसे साइड में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें टॉप वगैरह थोड़े रखने होंगे, ठीक है। ये तो हो गया अभी साइड में, चल भाई सरक जा भाई। ओके डन, ये गया भाई वहाँ पे। और यहाँ पे है भाई हमारी शॉर्ट टेल्स गप्पीज और पता नहीं यार कौन सी फिश होगी यार यहाँ पे। तो चलो भाई अभी हम पहले तो पानी भर लेते हैं यहाँ से। पानी भरने के बाद, क्योंकि इनको पुराना पानी चाहिए होता है भाई, मैंने जो न्यू पानी ले लिया तो इनको फंगस वगैरह डिसीज हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बोर का पानी, इसकी वजह से हमारा नल का पानी नहीं। नल का पानी होता तो भाई ले सकते थे, बट अभी बोर का पानी तो थोड़ा पुराना चाहिए आपको, मतलब पुराना मतलब 2 से 3 दिन ऐसा एक ही जगह पर होना चाहिए ऐसा वो होता है। ओ भाई पहले ही गो में मैंने इतने सारे फिश पकड़ लिए यार, देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से आई है। ओ भाई शकर फिश कितनी क्यूट है भाई, इतने से शकर फिश है यार, सच में यार बहुत छोटी छोटी थी, कितनी बड़ी हो गई यार तभी भी। ये है भाई शॉर्ट टेल का हमारा मेल, पहला मेल मुझे मिला है यहाँ पे भाई। इनकी क्वालिटी देख सकते हो यार, फुल रेड कलर में आ चुके हैं। और यहाँ पे है भाई ये क्या है यार, ओ भाई मेल की छोटी छोटी बेबीज कितने क्यूट है भाई साहब यार। और ये थोड़ी मीडियम साइज की, ये देखो भाई कितने सारे बेबीज है भाई स्नेल के, और कितने पता नहीं यार कितने निकलेंगे यहाँ पे, कितने क्यूट है यार ये, देख सकते हो छोटे छोटे। और ये थोड़ी मीडियम साइज का बच्चा है, मतलब ये थोड़ा 1-1.5 महीने का होगा शायद से। और यहाँ पे मैं अभी बड़ी स्नेल, ये देखो ये हमारे ब्रूडर है भाई। मैंने मतलब यार पहले 2 ही स्नेल लाई थी और 2 स्नेल से मैंने इतनी सारी ब्रीड की है, अभी फिलहाल तो देखते हैं भाई कितनी सारी ब्रीड है, ठीक है। और मैंने इनको यहीं पे रखा है स्नेल को, आपको पता है भाई आप मेरा चैनल कंटिन्यू देख रहे हो तो मैंने स्नेल्स को यहीं पे छोड़ा था, और देख सकते हो ब्रीडिंग आप। अभी मैं इनको फिर से पकड़ता हूँ भाई, अभी नेक्स्ट ट्राई करने जा रहा हूँ मैं, 1 2 3 स्टार्ट। तो भाई ये देख सकते हो भाई अभी क्या आ गया, स्नेल ही आ गई यार, फिर से ट्राई करता हूँ भाई यहाँ पे। ये लो जी यहाँ पे आ गई हमारी शॉर्ट टेल्स। अबे यार
आ गए यार। इसका कलर देख सकते हो यार, फीमेल शॉर्टटेल यार, कलर देखो यार इसका। होए 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 होए, लाजवाब कलर है यार भाई साहब। ये मैं अंदर रख देता हूँ। और यार धूप बहुत है यार। यहाँ पे दोस्तों देखो मुझे एक मेल मिला है भाई, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। अरे ओ भाई साहब, क्वालिटी देखो यार, कदर कितना डार्क हो गया है यार यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इनको इतना अच्छा खाना भी नहीं दिया यार, ग्रीन वाटर और नेचुरल थोड़ा होने की वजह से भाई इनको कलर चढ़ा है भाई वो। यहाँ पे देखो यार, छोटे छोटे बेबीज भी दिख रहे हैं यार मुझे बहुत सारे। ओ भाई ये क्या है? ओ भाई फिर से चक्कर फिश आ गए। कितनी छोटी, देखो ये वाली छोटी है भाई, मतलब मैंने इससे भी छोटी साइज छोड़ी थी, अभी थोड़ी बड़ी हो गई यार। देखो इसकी क्वालिटी और इसके स्पॉट चेक करो भाई, क्वालिटी है भाई ये तो। मुझे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की वहाँ पे फिश मिल रही है, इसकी वजह से मैं ये लेके आया हूँ। यहाँ पे हम हमारे जो शॉर्ट टेल्स है इसमें मैं रख दूंगा, और जो स्नेल्स वगैरह मैं टब में रखता हूँ वो, और अलग अलग वैरायटी की फिश अलग अलग टब में रखूँगा मैं। तो मैं इसके पानी भर लेता हूँ यार, क्योंकि एलिगेटर का पानी थोड़ा शुद्ध है भाई। ओके लो जी, मैंने पानी भर लिया। अबे 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 अबे, तो बंद हो गया भाई। ओके इसमें भी पानी ले लेता हूँ, इसमें शक्कर फिश रखता हूँ मैं, और इसमें हमारी प्लैटी भी फिश निकल रही है, प्लैटी में इसमें रख दूंगा गप्पी नहीं तो प्लैटी। ले लेते हैं भाई। यार इस वाले शॉर्ट टेल ने बाहर जंप कर दी थी, अभी मैं इसे पकड़ कर अंदर फाइनली मैंने डाल दी भाई। ओ भाई चलो चलो यार, इनको मैं सबको भी ना इसमें शिफ्ट कर देता हूँ। और ठीक है यार, यार यहाँ पे हमारे शॉर्ट टेल ने कितनी सारी ब्रीड की है। देखो यार कितना छोटा बेबी शॉर्ट टेल का। ओए ओए देखो यार कितने सारे बेबीज है यार यहाँ पे। ये कितना छोटा है चेक करो यार इसकी साइज, कितना छोटा सा बेबी यार। बहुत सारे बेबी यार शॉर्ट टेल ने बहुत ज़्यादा ब्रीड की भाई। मैंने यहाँ पे करीबन मतलब मैंने यार 2 महीने हो गए मुझे, 2 महीने में इतनी सारी ब्रीड यार देख सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट टेल है, बड़ा मेल यार शॉर्ट टेल का। इसको पकड़ता हूँ मैं अभी भाई, गप्पी की क्वालिटी चेक करो यार। चलो अभी इसको भी छोड़ देता हूँ मैं। और यहाँ पे देखो यार शॉर्ट टेल के कितने सारे बेबीज है भाई साहब। ओए ओए शक्कर पकड़ लेता हूँ अभी, शक्कर इसमें शिफ्ट कर देता हूँ। चलो भाई तू भी आ जा, चल 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 भाई। कितना क्यूट है छोटा बेबी यार शक्कर का। हे भाई तेरा इधर डेजी फिश में स्वागत है भाई। ओके और यहाँ पे ढेर सारे स्नेल है यार, अभी स्नेल को भी मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। चलो ओ भाई ये देखो यार, ये देखो भाई, ये है भाई बलून प्लैटी, जो कि मैं आपको बता रहा था कि भाई देखो इसकी क्वालिटी। ये मेल है भाई ये क्वालिटी वाला, और इसकी फीमेल भी है। ये देखो भाई ये है बलून प्लैटी की फीमेल, जो कि हमें मिली है यहाँ पे। मैंने ये भी लाई थी यार 6 महीने पहले, बट इनका अच्छा ब्रीड नहीं हुआ मेरे पास, हुआ था बट मैंने बहुत सारा सेल किया था। और ये देख सकते हो भाई गप्पी फिश की क्वालिटी, ये चेक करो भाई। और यहाँ पे और कौन सा है भाई, अलग अलग फिश मिल रहे यार यहाँ से, तो 4-5 मतलब मैंने वराइटीज़ की फ़िश देख ली है यहाँ पे। और ये देखो भाई ढेर सारी स्नेल्स मैंने यहाँ पे कैच करी है, अभी मैं इनको सब एक एक करके निकाल लेता हूँ इसमें। ओ भाई मॉली की क्वालिटी चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे मुझे एक मॉली मिली यार फुल ब्लैक कलर में भाई साहब। और कौन कौन से यार, यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज यार, गप्पी फिश के बेबीज है और शॉर्ट टेल के बेबीज है यहाँ पे, शायद से बलून प्लैटी के नहीं दिख रहे मुझे। ये कौन सा है यार, शक्कर देखो भाई, ये छुपी थी और होगी और एक है। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। ओ भाई गप्पी यार, ये मॉली देखो कुछ यार, मार्बल मॉली मिक्स कलर में, ब्लैक और वाइल्ड कलर मिक्स है उसमें, और एक शक्कर फिश यार यहाँ पे। चलो अभी स्नेल में पलटी कर देता हूँ और एक बार में ट्राई करता हूँ। चलो हो जा भाई, कितनी सारी ब्रीड हुई स्नेल की, ढेर सारी ब्रीड हुई देख सकते हो यार। और तो निकालना बाकी है भाई, अभी तो गोल्ड ही गोल्ड है भाई मेरा तो यहाँ पे। मुझे पता नहीं था यार इतनी ब्रीड हुई होगी। ये लो जी यहाँ पे मैंने फुल रेड कलर में शॉर्ट टेल पकड़ी है, फिर से ये मेल आ गया है भाई। चलो अभी इसको पकड़ के मैं साइड में कर देता हूँ। कितनी क्वालिटी यार इनमें, मतलब कलर इतना ज़्यादा चढ़ गया है भाई, देखो फुल रेड कलर में।
शॉर्ट टेल मैंने लाई थी, मैंने इतनी रेड नहीं थी भाई, तो थोड़ा हल्का सा ऑरेंज कलर था, अभी तो ज़्यादा रेड हो गई। ये देखो यार, ब्लैक मॉली का छोटा बेबी मिला यार, कितना क्यूट है। और मुझे ब्लैक, स्पेशल ब्लैक मॉली बहुत अच्छी लगती है मुझे, इनके छोटे छोटे जो बेबीज रहते हैं यार, कितने क्यूट है। देखो 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 यार, इसकी क्वालिटी चेक करो यार, कितना क्यूट है छोटा। मैं तो करूँगा यार ब्लैक मॉली की ज़्यादा ब्रीड करूँगा, मुझे लकी भी है वो। चलो भाई अभी मैं वहाँ पे चेक करता हूँ, क्योंकि सब फिश यहाँ पे आ गए छाँव में। चलो भाई, ओ भाई यहाँ पे, ओ भाई साहब देखो भाई, पहले ही कैच में मैंने कितने सारी फिश पकड़ ली भाई। यहाँ पे पहले शकर फिश आ गए, मैं शकर फिश को शिफ्ट कर देता हूँ। भाई 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 भाई, 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 भाई कितना क्यूट है यार ये भी। चलो यार भाई, बहुत सारे यार, 1 2 3 4 4 है भाई शायद से यार। ये जाली फट्टे होने की वजह से ना यार भाग जाती है। ये देखो भाई, ये शकर फिश। चलो अभी इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर देता हूँ, और स्नेल्स को भी अलग कर लेता हूँ, निकल देता हूँ। चलो भाई, चलो 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 जल्दी आ जाओ। यार भग गई यार ये, मुझे पता था यार जाली नीचे से फटी हुई है ना, तो यहाँ पे नीचे भग गई है गप्पी केस में। चल भाई तू भी आ जा। चल ये देखो भाई, मेल है ये शॉर्ट टेल का, और मुझे बहुत सारी शॉर्ट टेल मिली। मतलब भाई 2-1 dozen के आसपास शॉर्ट टेल मिली, तो हमारी ब्रीडिंग ईजी हो जाएगी भाई, बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा हमें। देखो कितनी सारी शॉर्ट टेल मिली मुझे, ये देख सकते हो। और क्या है भाई, और एक शॉर्ट टेल है भाई, देखो ये मीडियम साइज की शॉर्ट टेल है। तो चलो गाइस अभी मैं यहाँ पे लास्ट ट्राई करने जा रहा हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। वो भाई यहाँ पे ब्लैक मॉली आई है यार। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे चेक करता हूँ यार, कहाँ छुप गई यार ये। मुझे शायद से ना पूरी टंकी अभी खाली करनी होगी, क्योंकि ना यार अभी नहीं मिल रही है। ओ भाई साहब, कितनी बड़ी मॉली फिश है यार ये, जम्बो मॉली यार। ओ भाई साहब, ब्रीडिंग के लिए अच्छे भाई ये, बहुत ही ज़्यादा। अभी शॉर्ट टेल भी मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। छोटे छोटे बेबीज हैं शॉर्ट टेल के, बहुत सारे बेबीज हैं छोटे 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 छोटे। यार भाग जा रही है यार, जाली फटी हुई ना इसकी वजह से ना भाग जा रही है यार ये क्या है भाई। ओ भाई ये मार्बल मॉली भी यार यहाँ पे, मतलब मैंने ना वाइल्ड मॉली और मार्बल, मतलब ब्लैक और वाइल्ड का मिक्स होके ना यार दो कलर रेडी हुए, उसे मार्बल मॉली आप नेट पर सर्च कर सकते हो। बहुत खूबसूरत होती है यार ये मार्बल मॉली भी। शकर देखो कैसा छुपा था। तो भाई यहाँ पे मुझे ये क्या क्वालिटी मिली यार गप्पी फिश की। भाई ये है हमारा असल वाइट टक्सीडो गप्पी फिश यार, क्या क्वालिटी भाई साहब। और चेक करता हूँ भाई, ऐसी क्वालिटी मिल जाए यार मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ब्रीड करूँगा यार शो इनकी भाई, वाइट टक्सीडो गप्पी की भाई। बहुत ही ज़्यादा लकी फिश यार मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे चापे भाई हमारी वाइट टक्सीडो से। भाई गोल्ड भाई चांदी हो गई मेरी यहाँ पे यार। वो भाई यहाँ पे फिर से एक और एक मार्बल मॉली मिली, देखो यार कितनी खूबसूरत होती है मार्बल मॉली। मतलब यार इसमें ना कलर स्पॉटेड वाले आते हैं, एक मॉली नॉर्मल होती है और उसके ऊपर ऐसे स्पॉट स्पॉट आते हैं ब्लैक कलर के, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं मुझे वो। मैं स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो ये मार्बल मॉली और ब्लैक मॉली के बेबीज, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आप मेरे पुराने वीडियो चेक कर सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा मैंने, मतलब ये देखो यार गप्पी फिश की फीमेल भी वाइट टक्सीडो है भाई, प्योर वाइट टक्सीडो है ये। मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और ये कौन सा है भाई, ये देखो यार फिर से एक मार्बल, नहीं वही है यार, वही फीमेल है हमारी यार। ऐसे बेबी जो हो गए ना भाई, मैं बहुत ज़्यादा फिर, हाँ यार ये इनको मार्केट में भी अच्छा दाम मिलता है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो यार मार्बल वाले का छोटा छोटा बेबी भी, कितना क्यूट है यार शैतान, कितना छुप गया था। चल भाई तू भी जा अभी डब्बे के अंदर। और यहाँ पे और कौन सी यार स्नेल, अच्छा शॉर्ट टेल है, छोटी शॉर्ट टेल है। क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, हमारी वहाँ से नली लगा कर है ना, ये नली को मैं सीधा नीचे छोड़ दूंगा, मतलब जितना भी पानी ना उस टंकी में से सब नीचे चला जाएगा, फिर अपन देखेंगे भाई वहाँ पे क्या क्या मिलता है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, इसलिए मैं कैमरे में नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा में नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है यार, इसे भी निकल लिया मैंने। और यहाँ पे हमें लगा देना है भाई, पहले मैं यहाँ पे यहाँ से उधर पानी डाल दूंगा। यार गप्पी फिश के बेबीज देखो यार, चेक करो यार, बहुत ज़्यादा ब्रीड कर रही है यार। यहाँ पे हमारी जो शॉर्ट टेल है ऐसी ब्रीड करेंगे यार, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्रीड की उन्होंने, बट देखेंगे अभी यहाँ पे करती है या नहीं। इतने अपन मेहनत कर रहे तो करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे। ये देखो यार, चेक करो यार कितने सारे बेबीज है, ये सब गप्पी फिश के, वाइट टक्सीडो गप्पी फिश के बेबीज है। से पानी वहाँ पे जा रहा है, और जैसे ही वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, मैं सीधी नली यहाँ से छोड़ दूंगा, मतलब पानी आना वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और वो टंकी पूरी खाली हो जाएगी फिर। तो ये लो जी दोस्तों, आपके भाई का आइडिया कामयाब हो गया। और देखो कैसे आवाज़ निकल रहा है यार यहाँ से लेकर, और यहाँ से मैंने सीधा ये पाइप इधर से, मतलब उधर से लगाया है, और इधर से पानी जा रहा है। देखो भाई कैसा जा रहा है, गोल 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 बवंडर के जैसा।
सब 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 पानी नीचे नीचे हो जाएगा और फिर हम देखेंगे भाई हमारी फिश को। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पूरी टंकी खाली हो चुकी है और देख सकते हो और क्या क्या मिलता है अभी देखते हैं भाई यहाँ पे, और जो मिलेगा हम उसे कैच करेंगे और हमारे द डेजी फिश में उनका फिर से वेलकम करेंगे। ठीक है, ये लो जी भाई मेरा काम देखो यार, मैंने पूरी टंकी पलटी कर दी और अभी पलटी करके मैंने इसमें जो फिश अभी बचे हुए जो बेबीज बचे हुए मैं सब अलग कर लेता हूँ। मुझे खजाने से कम नहीं मिला भाई उस टंकी में, देख सकते हो भाई यहाँ पे ढेर सारी शक्कर फिश मिली यार। ये इतनी शक्कर फिश वहाँ पे इतनी कैसे तैयार हो गई यार मुझे नहीं पता यार। देखो यार कितनी सारी शक्कर फिश मिली है, देखो आपको साइज तो मैंने दिखाई, देखो देखो ये देखो इनका पैटर्न बिटन एकदम क्लियर है यार, कहाँ से आ गई यार इतनी सारी शक्कर फिश, यहाँ पे किसने डाल दिया यार, यहाँ पे हमारी सब स्नेल देखो यार कितनी सारी ब्रीड हुई है और यहाँ पे उनके ढेर सारे छोटे छोटे बेबीज है और इधर भाई हमारी शॉर्ट टेल फिश है, सब ब्रूडर है भाई। और इतनी बड़ी बड़ी मुझे मिली ना यार, मुझे मतलब अंदाज़ा भी नहीं था, जहाँ पे जंबो मौली भी मिली मुझे ब्लैक कलर में, कहाँ गई ये वाली यहाँ पे। और दोस्तों को इसका नेक्स्ट अपडेट कल की वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।